नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। राजनीति की अपनी शैली होती है, अपनी धुन होती है, अपने सुर होते हैं, अलग लय होती है। लेकिन आज राजनीतिक सुर्खियों में कैसा बयान छाया रहा जिसमें चुनाव जीतने पर कुछ खास लोगों को नचवाने के वायदे का जिक्र था। यह बयान राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में दिया। आखिर राहुल ने क्यों कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे। आपको दिखाऊंगा यह पूरी खबर, साथ ही हरियाणा की ही चुनावी रणभूमि से आई जादू की झप्पी वाली वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जो पीएम मोदी से जुड़ी है। आखिर पीएम मोदी ने किसे दी प्यार वाली झप्पी, होगी ये पूरी खबर। इसके साथ ही बात होगी बिहार में कल होने वाली प्रशांत किशोर की अक्टूबर क्रांति की और महाराष्ट्र में अमित शाह की 24 विजय के साथ 29 विजय की हुंकार क्या है, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी की डांस गारंटी की। आखिर हरियाणा के चुनावी मंच से राहुल ने कांग्रेस की जीत के बाद कुछ लोगों को नचवाने वाली बात क्यों कही। राहुल ने यह क्यों कहा कि एक साइड से जितना पैसा अंदर आया मैं उतना पैसा गरीबों में बांट दूंगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे। ये हरियाणा में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का वो मिजाज है जो एक साथ आर पार के कई इशारे दे रहा। राहुल ने अपनी सरकार आने पर किन लोगों को नचवाने की बात कही, ये बात इस बयान से पहले कही गई उनकी पूरी बात से साफ हो जाती है। मैंने मन बना लिया है, मैं नोट कर रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी को देगा उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को देंगे। आपने अभी जो इन लोगों से मजा करवाना है करवा लो, जितना इनको नचवाना है नचवा लो, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे। पूंजीवाद के आगे समाजवाद की दीवार खड़ी करने का वादा कर रहे राहुल गांधी का प्रचार रथ दूसरे दिन हरियाणा के बहादुरगढ़ से सोनीपत के बीच दौड़ा। कार की छत पर बैठे थे राहुल गांधी, साथ में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। व्यस्त बाजार के बीच से राहुल का काफिला आगे बढ़ता रहा और साथ में इसी तरह चलते रहे हजारों कार्यकर्ता। सोनीपत पहुंचकर राहुल ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और समर्थकों के लिए उम्मीदों का बही खाता खोल दिया। मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा अंदर आया दूसरी साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूँ, जितने रुपए अंदर गया उधर उतने ही रुपए मैं निकाल के यहाँ डालूंगा। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मंच पर संविधान की किताब के साथ दिखे, अंदाज लोकसभा चुनाव जैसा था। अगर आपको बीजेपी और कांग्रेस में फर्क समझना है मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा, वो इसको खत्म करते हैं हम इसकी रक्षा करते हैं। राहुल ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, उनकी हर बात पर बीजेपी की पैनी निगाहें थी, पलटवार में देर नहीं हुई। कांग्रेस को ये लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है, वो सोचती है कि बटेंगे लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। आज हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली की, पलवल से कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया, लोगों को ये भरोसा भी दिया कि जब तक मोदी है आरक्षण खत्म नहीं होगा। इन तमाम सियासी संदेशों के बीच मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता रामबिलास शर्मा के रिश्तों की कैसी केमिस्ट्री दिखाई दी जो बाकी तमाम तस्वीरों से बिल्कुल अलग रही। पलवल में बीजेपी के जन आशीर्वाद रैली का मंच, मंच पर पीएम मोदी का इंतजार करते नेता, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे सबकी निगाहें उन पर चाटेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित मंच पर मौजूद सभी नेताओं को नमस्कार करते हुए आगे बढ़े और फिर सबसे पहले पार्टी के दिग्गज रामविलास शर्मा का हाथ थाम लिया, प्यार से उन्हें थपकी दी। ऐसा लगा जैसे जादू की झप्पी दे रहे हों। निजी रिश्तों की ये केमिस्ट्री फौरन सुर्खियों में छा गई, क्योंकि रामविलास शर्मा वही नेता है जिन्हें इस चुनाव में पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया था, वो भी तब जबकि वे महेंद्रगढ़ सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी के भीष्म पितामह तक कहे जाते हैं। तब रामविलास मन महसूस कर रह गए थे, लेकिन पार्टी के फैसलों को भावुक मन से ही सही सिर माथे पर रखा था। आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। शायद यही वजह थी कि मोदी से उनकी पुरानी करीबी और भी मजबूत हो गई। सबूत सामने है। कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करने के साथ ही पलवल के मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस देशभक्तों की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है, लेकिन साथियों, जब तक मोदी है, SC ST और OBC समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। बात करते हैं बिहार के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी दस्तक देने को तैयार है। ये पार्टी होगी चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की, जो 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती पर अपने राजनीतिक दल का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी ने लालू परिवार पर निजी हमला करके राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। जन सुराज, जनता का अच्छा शासन। विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे, इसके लिए जरूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं। किसी जमाने में डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक को चुनाव जिता देने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर यानी PK अब खुद राजनीतिक पार्टी बनाकर बिहार में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल की घोषणा, औपचारिक घोषणा होगी। बिहार 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के अखाड़े में ताल ठोकने के लिए प्रशांत किशोर ने आगे की रणनीति भी बना ली है। इसे अध्यक्ष पद को लेकर पहले ही कही जा चुकी PK की बातों से समझिए। जन सुराज का पहला अध्यक्ष दलित वर्ग से होगा। बिहार में दलित आबादी करीब 19% है। PK ने 2025 के बिहार चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। समझना मुश्किल नहीं है कि PK उसी दलित मुस्लिम राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं जिसके भरोसे लालू यादव बिहार की राजनीति में बरसों से जमे हुए हैं। यानी PK की रणनीति लालू तेजस्वी की राजनीति पर भारी पड़ सकती है। अपनी हर सभा में बिहार का गौरव वापस लौटाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च करने से ठीक पहले लालू यादव पर जोरदार हमला भी किया। सबूत है पटना के सड़कों पर लगे ये पोस्टर, जिन पर लिखा है, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन सुराज का होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी ने नाम लिए बिना लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के वैवाहिक जीवन पर तंज कर लालू पर व्यक्तिगत हमला किया, तो जवाब परिवार की सांसद बेटी ने दिया। ये सब जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है। वोट का समय आएगा तो सबके सामने परिणाम दिखेगा। जन सुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है। प्रशांत किशोर एक तरफ लालू परिवार से उलझ रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जिन्हें वो SSS यानी शराबबंदी, जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर घेरते रहे हैं और तीनों को खत्म करने का वादा भी कर चुके हैं।
प्रशांत किशोर को अगर इसका फायदा मिला तो जाहिर है नीतीश कुमार को इसका घाटा होगा। दूसरी तरफ नए सियासी समीकरण से बीजेपी का फायदा हो सकता है। जिस बिहार राज्य में 50 साल से जाति के अलावा कुछ और हुआ नहीं है, उसमें उन्होंने एक आवाज उठाने की कोशिश की है और मूल मुद्दों पर बात लाने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर की पार्टी भले ही अभी लॉन्च पैड पर हो, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीके का एजेंडा बड़ा खेल दिखा सकता है। प्रशांत किशोर कल क्या बोलेंगे, इस पर अटकलें तेज है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी एक ऐसी बात कह दी जिस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह बयान अल्टीमेटम जैसा है। चिराग पासवान पटना में पार्टी के कार्यक्रम में गए थे, वहां उन्होंने मंच से कहा कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो एक मिनट में मंत्री की कुर्सी छोड़ देगा। मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लाभ मांगने से पहले। अगर बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे की। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे अमित शाह ने एक बार महाराष्ट्र की सत्ता में महायुति की वापसी का दावा किया, लेकिन लगे हाथ 2029 का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाना होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियों के बीच मुंबई पहुंचे अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सत्ता में महायुति की वापसी का दावा किया और कार्यकर्ताओं को जीत का कर्तव्य पथ दिखा दिया। मुंबई के दादर में हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कैमरे की एंट्री नहीं थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के लिए साल 2024 और 2029 को लेकर डेडलाइन फिक्स कर दी। बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2024 में महायुति की सरकार लानी है तो 2029 में शुद्ध रूप से कमल खिलाना है, यानी भाजपा को सत्ता में लाना है। बताया जा रहा है कि अमित शाह के इस बयान से कार्यकर्ताओं में नमजोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति कार्यकर्ता की पहचान आत्मविश्वास की। नाम से जिस तरह का कार्यक्रम मुंबई में हुआ, वैसा ही कार्यकर्ता सम्मेलन नवी मुंबई में भी हुआ, जिसमें चुनावी जीत के मंत्र से लेकर विचारधारा तक पर बात हुई। बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन पर बीजेपी धुआंधार निशाना साध रही है। कर्नाटक में जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों के घेरे में आए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ ही बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी घेर रही है। पार्टी का आरोप है कि खड़गे के परिवार से जुड़े सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एरिया में 5 एकड़ जमीन दी गई है, जिसके आवंटन को लेकर कई संदेह है, लेकिन इस पर खड़गे चुप है। वो सामने आकर सफाई क्यों नहीं देते। कई संदेहास्पद परिस्थितियां खड़गे साहब के परिवार को दी गई जमीन के बारे में जो ट्रस्ट है वो सामने है। वहां भी मामला लोकायुक्त के यहाँ गया है, मामला कोर्ट में पेंडिंग, कोर्ट अपना काम करेगा। लेकिन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खड़गे जी विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में। अगर इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां इस जमीन के अलॉटमेंट से जुड़ी हुई हैं, इसका उत्तर देना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि इस सरकार के अंतर्गत ईडी जो है वो इलेक्शन डिमोलिशन मशीनरी हो गई। वैसे ये मैटर सब जुडिस है अब, परंतु जहाँ जहाँ बीजेपी की हार होती है मोदी जी उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो तुरंत कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, इनकम टैक्स भेजो। तो जो हो रहा है ये वही है।